हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईफोन 13 के बैटरी टेस्ट के बारे में 17.2 के नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अगर आप सभी ने अपडेट कर लिया है अपने डिवाइस को इस नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, तो आपको अपने बैटरी ड्रेन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि बैटरी ड्रेन कितना हो रहा है आईफोन 13 के ऊपर और कैसा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। इस अपडेट का जो साइज़ मेरे को आईफोन 13 पे रिसीव हुआ था 1.3 GB, अपने डिवाइस को मैंने अपडेट किया था 17.1.2 के पुराने अपडेट से इस लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। इस अपडेट का साइज़ और भी बड़ा हो सकता था अगर मैं इसको काफ़ी पुराने अपडेट से अपडेट करता, यानी कि मेरा डिवाइस जो था अगर iOS 17.1.1 के ऊपर होता तो इसका साइज़ कुछ और होने वाला था। अब बात करते हैं इसमें बैटरी बैकअप के बारे में और बैटरी टेस्ट के बारे में, कैसा बैटरी रिव्यू है आईफोन 13 का इस नए अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैटरी हेल्थ चेकआउट कर लो आईफोन 13 की, जो कि करंटली है 96%। जब मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया अपने आईफोन 13 के ऊपर तो मेरे को कोई भी डाउनग्रेड नहीं देखने को मिला, यानी कि कोई भी बैटरी हेल्थ लूज़ नहीं हुई है जब ये अपडेट इंस्टॉल हो रहा था मेरे आईफोन के ऊपर। वरना कई आईफोन्स की जो बैटरी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है जब वो अपडेट को इंस्टॉल करते हैं। अपडेट से पहले उनकी बैटरी हेल्थ 100 होती है, अपडेट के बाद वो देखते हैं कि उनकी 99 या 98 हो चुकी है, इस तरह से ये आपको देखने को मिलती है। बट आईफोन 13 के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 17.1.2 के पुराने अपडेट में ही मेरे डिवाइस की जो 2% बैटरी है वो डिक्रीज हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए इस नए अपडेट में बैटरी हेल्थ लूज़ नहीं हुई है जब मैंने इसे अपडेट किया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के लेवल के बारे में, कैसा बैटरी बैकअप हमें देखने को मिलने वाला है आईफोन 13 के ऊपर इस नए अपडेट में। तो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर जब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी आपने एक्टिविटी नहीं करी है रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे, उस कंडीशन के ऊपर जो आईफोन 13 है वो सिर्फ 3% बैटरी को ही ड्रॉप करता है। अगर आप ओवरनाइट भी अपने डिवाइस को नहीं यूज़ करते हो तो उस कंडीशन के ऊपर आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा ग्राफ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो 10 या 11 PM तक का जो टाइम है वहाँ से लेकर अगर आप 7 AM तक के टाइम पर देखोगे तो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी आपको बैटरी इतना मेजर नहीं देखने को मिला है, जो कि है 3% बस बैटरी ड्रॉप हुई है। मान लो कि अगर मैंने अपने डिवाइस को रात को देखा 80% के ऊपर, तो सुबह जो मेरे को बैटरी का लेवल देखने को मिला वो था सिर्फ और सिर्फ 78 या 77%, मतलब कि 3% आपकी बैटरी ड्रॉप होगी अगर आप ओवरनाइट कुछ भी यूज़ नहीं करते हो, यानी कि वाईफाई कनेक्शन को भी यूज़ नहीं करते हो, कोई भी मैसेजेस आपके डिवाइस में रिसीव नहीं हो रहे हैं उस कंडीशन के ऊपर। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको इतना मेजर बैटरी ड्रेन का इशू देखने को नहीं मिलेगा आईफोन 13 के ऊपर। तो बैटरी ड्रेन का इशू जो है वो आईफोन 13 में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है इस नए अपडेट में। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस नए अपडेट को अपडेट कर सकते हो अपने आईफोन 13 के ऊपर, क्योंकि बैटरी बैकअप जो है वो सबसे मायने रखता है अपने डिवाइस के लिए। अगर बैटरी बैकअप अच्छा होगा तभी हम अपने डिवाइस को अपडेट करेंगे नए नए लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। और बात करें इनके नए फीचर्स की, तो आईफोन 13 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस नए अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं आईफोन 13 पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया तो जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि नए फीचर्स के बारे में भी आप जान सकें। अगर आपको जानना है कि जर्नल ऐप को कैसे यूज़ करते हैं अपने आईफोन के ऊपर, तो वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है, तो उसको भी आप वॉच करके यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे आपको जर्नल ऐप को यूज़ करना है। तो ये था कंप्लीट बैटरी रिव्यू आईफोन 13 का 17.2 के इस नए लेटेस्ट अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।